वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आशु व्यास फिटनेस। मैं हूं आशु व्यास, आपका दोस्त, आपका साथी। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो बॉडी बिल्डिंग से भी रिलेटेड है, आपके पेट की समस्याओं से भी रिलेटेड है और बहुत ही देसी चीज है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत इजी अवेलेबल हो जाती है हमको। वो चीज है कर्ड, दही। दही आपको मालूम है कि रोजाना जो हमारी घर की जो चीजें होती हैं उन्हीं में शामिल होता है। इसके बॉडी बिल्डिंग में क्या यूज है, आज मैं आपको वो यूज समझाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं दही की। दही जो कि बहुत ही इजी अवेलेबल हो जाता है, सभी के घरों में पाया जाता है, कुछ लोग घर में दही जमाते हैं, कुछ लोग बाहर से आके खाते हैं। उसके क्या क्या यूजेस होते हैं आपके मसल बिल्डिंग में। दही जो होता है उसमें बिल्कुल प्रीमियम प्रोटीन होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। आप ये समझ लें कि जैसे आप 100 ग्राम अगर दही लेते हैं तो 100 ग्राम दही में आपको समझ लीजिए कि करीब 4 से 5 ग्राम के आसपास प्रीमियम प्रोटीन मिलता है। और 100 ग्राम दही तो बहुत कम होता है, लोग ज़्यादा ही लेते हैं, उससे 200-250 ग्राम एक बार में कम से कम खा जाते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आप 200-250 ग्राम दही एक बार में लेते हैं तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उसके बाद उसमें 100 ग्राम जो दही होता है उसमें 5 ग्राम आपका कार्ब्स होता है, ठीक है, और उसके अंदर 3 ग्राम के आसपास आपको कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम जो कि आपकी मसल की रिकवरी के लिए और मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी उसके अंदर आपको मिलता है प्रीमियम, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, जिसमें कि कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। दही जो होता है जब आप वर्कआउट करते हैं, आप वर्कआउट के 1 से 1.5 घंटे बाद अगर दही लेते हैं तो मेरे हिसाब से शायद देसी डाइट में बेस्ट इससे डाइट कुछ हो ही नहीं सकती है। ये आपकी मसल को रिकवर करता है, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाता है, और आपका अगर पेट की समस्याओं से आप जुड़े हुए हैं, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, आपको अपच रहती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, कब्ज रहती है, पेट में मरोड़ रहती है, तो ये उन चीज़ों को भी दूर करता है, क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज होते हैं जो इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए आपकी बॉडी में जरूरी है। तो दही इज द बेस्ट थिंग फॉर डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम मसल बिल्डिंग में। ये मसल को कैसे बिल्ड करता है, आपने सभी को पता है कि मसल बिल्ड करने के लिए, मसल को बनाने के लिए, मसल की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोटीन। और नेचुरल प्रोटीन अगर आपको मिलता है तो इससे बेस्ट चीज़ कुछ है ही नहीं, वे सप्लीमेंट होता है। जब आपके पास नेचुरल प्रोटीन नहीं होता है तब आप सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको नेचुरल मिलता है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। लोग इसीलिए कहते हैं कि नॉनवेज जो होता है, नॉनवेज में प्रोटीन ज़्यादा होता है और नॉनवेज खाने से जल्दी बॉडी बनती है, क्योंकि उसमें नेचुरल प्रोटीन होता है लोगों की बॉडी का, जानवरों की बॉडी का प्रोटीन होता है। वैसा ही दही है। दही में दूध का जो सारा निचोड़ा हुआ जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर होती हैं, जिससे कि उसका जो प्रोटीन होता है वो बिल्कुल प्रीमियम होता है। जैसे कहा जाए अपन लोकल लैंग्वेज में अगर कहें 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, उस टाइप का प्रोटीन दही में आपको मिलता है। ये आपकी मसल को रिकवर करता है, आपकी जो मसल ग्रोथ होती है उसको 10 गुना तेज़ी से बढ़ाता है, बजाय वे प्रोटीन के या बजाय दूध के। साथ ही इसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है, इसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर आपकी हाइट ग्रो नहीं हो रही है, आपके मसल्स पेन करते हैं वर्कआउट करने के बाद, तो इसमें कैल्शियम जो होता है दूध से ज़्यादा होता है, ध्यान रखिए। तो आप इसे दूध के अलावा यूज़ कर सकते हैं, दूध की जगह अगर आप दही यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
तीसरी चीज इसमें होता है विटामिन। विटामिन्स इसमें तीन तरह के विटामिन आते हैं। विटामिन 12 जो होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मसल रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसमें बहुत ही हाई लेवल पर पाया जाता है, जिससे कि आपकी मसल जो होती है वो रिलैक्स होती है और वो करने के लिए उसको रेस्ट मिलता है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आते हैं हम इस बात पे कि भाई दही हमें किस टाइम पे खाना चाहिए, किस टाइम पे नहीं खाना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि शाम के टाइम पे दही नहीं खाना चाहिए, इसकी जो तासीर होती है वो उल्टी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दही आप किसी भी समय खा सकते हैं, ये आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं करता। हाँ, दही केवल एक ही चीज में, एक ही कंडीशन होती है जिसमें नुकसान करता है, जहाँ तक मैंने देखा है, वो होता है एलर्जी। दही से कई लोगों को एलर्जी होती है कि वो दही खाते हैं तो उन्हें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। बस इसके अलावा मेरे हिसाब से दही किसी भी कंडीशन में नुकसान आपको नहीं करता है, आप किसी भी टाइम पर खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल फ्रीज किया हुआ दही आप ना खाएं, थोड़ी देर बाहर रखा हुआ अगर दही आप खाएंगे तो ये किसी भी कंडीशन में आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो शॉर्ट एंड सिंपल ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कर्ड के बारे में, दही के बारे में आपको बताया। दही आपके लिए बहुत यूज़फुल है, नेचुरल चीज़ है, इजीली अवेलेबल चीज़ है। इसको आप डाइट में अपनी शामिल कीजिए, अपने डाइट प्लान में शामिल कीजिए और फिर आपकी मसल की ग्रो के रिजल्ट देखिए, आपके चेहरे का ग्लो देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जो स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ओके गाइस, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप आगे भी जुड़े रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई एम आशुतोष, साइनिंग ऑफ। Stay fit, stay healthy. Bye-bye.